Error relation and their application in session पे हम डिस्स करेंगे chapter 9, जब हमने स्टार्ट किया तो नाइन पॉइंट वन जो है वो डिफरेंट से बेस करता है और बड़ा इम्पोर्टेंट है अपकमिंग हाँ जो चैप्टर नाइन के फर्दर टॉपिक्स आ रहे हैं उसे समझना हमारे लिए आसान रहेगा तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फादोस हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसके प्ले पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेन्स की वीडियोज़ मौजूद है विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं इसके अलावा इन वीडियोज़ पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल बिटवी प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड ये मेरे ब्लॉग फाद सी ब्लॉग स्पॉट पर अवेलेबल हैं तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज किया जा सकता है तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर्वक जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सके एज यूजल हम रॉजन की बुक को फॉलो कर रहे हैं नाइन पॉइंट थ्री रिप्रेजेंटिंग रिलेशन का है सो द फर्स्ट थिंग इज देट सॉरी नाइन पॉइंट टू एन एरे रिलेशन एंड देयर एप्लीकेशन का है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली एन एर ए रिलेशन क्या है जब हम रिलेशन बनाते हैं तो एज यूजल फ्राम द स्टार्टिंग हमने देखा कि हम प्यर्ड वैल्यू लिखते हैं तो प्यर्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि कुछ दो नंबर हम इस तरह से लिख रहे होते हैं तो इस वक्त इन अ फॉर्म ऑफ द रिलेशन एन की वैल्यू यहाँ पर टू है ठीक है तो रिलेशन का मतलब ये हुआ कि दो नंबर पर मुश्तमिल रिलेशन वैल्यूज इसी तरह यह थ्री हो सकता है फोर हो सकता है तो इसका मतलब है है कि N matter करता है कि करता की values क्या हो सकती है टू हो सकती है थ्री हो सकती है एन एन एरे रिलेशन ऑन दी सेट यानी एन एरे रिलेशन इन दी सेट इज अब सेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑल सेट्स ठीक है यानी जब मैं कॉडेस्टेंट प्रोडक्ट करूंगा ए वन ए टू टल्स वैल्यू ऑफ ए एन तो ये उसका सबसेट होगा जो ऑरिजिनली ए वन टू ए एन के सेट थे सो द सेट ए वन ए टू ए एन आर कॉल्ड द डोमेन यानी ऑरिजिनली जो आपको सेट दिया जाएगा वो सेट्स की जो वैल्यूज हैं, काउंट है इन अ फॉर्म ऑफ द सेट्स वो उसका डोमेन है ऑफ द रिलेशन एन एन इज कॉल्ड अ डिग्री ठीक है तो एन उसकी क्या होगी डिग्री होगी अभी हम ये डोमेन और डिग्रीज के एग्जाम्पल से समझेंगे बात हमें क्लियरली समझ में आ जाएगी तो सबसे सब पहले तो हम एन एरे रिलेशन की बेसिक एग्जाम्पल करते हैं जो कि टर्नरी रिलेशन पर बेस करेगा फॉर एन की वैल्यू यहाँ पर थ्री कंसीडर होगी तो द द क्वेश्चन सेज और द्वेश्चन लेट आर बी द टर्नरी रिलेशन ऑन जेड मल्टीप्लाई बाय इसका मतलब ये हुआ कि तीन हमारे पास जो टर्नरी रिलेशन की वैल्यूज होगी वो इंटीजर नंबर पर बेस करेगी कंसिस्टिंग ऑफ द वैल्यूज ए बी एम ए बी एम तीन वैल्यूज उसमें होंगे एज अ वेरिएबल जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ये कंडीशन क्या है ए इज अ कॉन्ग्रेंट बी मॉड एम हम जानते हैं कि कॉन्ग्रेंट क्या चीज है इसमें हमें रिमाइंडर की वैल्यूज मिल रही होती है डिवाइडर के साथ तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो वैल्यूज राइट होगी वही हमारे टर्नरी रिलेशन का पार्ट बनेगा तो कुछ तीन वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है जो कि हमारे रिलेशन का पार्ट है और चौथी वैल्यू को बताया जा रहा है कि ये हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं होगा समझते हैं यहां पर ये वैल्यू ए की है ये बी की है और ये एम की है अगर मैं थ्री को डिवाइड करूं एट के लिए तो थ्री टू या सिक्स होगा तो और एट को सिक्स से सब्रैक्ट किया जाए तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या बनेगी टू तो ये सेटिस्फाई कर रहा है है ठीक अगर इस को देखें तो सेवन टू या फोर्टीन होगा एम को मैं डिवाइड कर रहा हूं ए के लिए तो फोर्टीन सब्टोटीन रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई आ गई इसका मतलब है है कि पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहां देखें आप थ्री टू झा सिक्स होता है

इज अ फ्लाइट नंबर एस इज अस्टार्टिंग पॉइंट डी इज अ डेस्टिनेशन एंड टी इज अचर टाइप सो दिग्री ऑफ द रिलेशन बी फाइव अभी हमने देखा की बात हो रही थी और डिग्री क्या है एन इज कॉल्ड एन का मतलब क्या है कितनी वैल्यूज उसमें मौजूद है तो यहां पर कितनी वैल्यूज है लेट आर बी द रिलेशन एन एन क्रॉस एन रिलेशन है जो कि इन नंबर्स पर बेस करते हैं ए बी सी और ए बी सी की जो कंडीशन है वो ये ए की वैल्यू लेस देन हो बी से और बी की वैल्यू लेस देन सी से हो और अगर ये इस थ्री वैल्यूज इन पर बेस करती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो टर्नरी रिलेशन हमारा बनेगा विचमीन थ्री एड रिलेशन वो राइट होगा नोट एन इज अ सेट ऑफ दैचुरल नंबर दैट इज स्टार्ट फ्राम जीरो टू ऑनवर्ड है जो कुछ नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है वो इन तीनों कंडीशन को देखें फुलफिल कर रहा है इन आई मीन दिस वन यानी ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी की वैल्यू सी से छोटी है इसी तरह सेकेंड थर्ड फोर्थ सॉन लेकिन अगर यहां आप देखें तो यहां पर ए की वैल्यू फोर से छोटी तो है लेकिन बी की जो वैल्यू है वो सी से बड़ी है लिहाजा ये जो है हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं होगा इसे नॉट इन अ फॉर्म ऑफ द रिलेशन या नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन लिखा गया अगर हम आपसे डिग्री इसकी पूछें कि डिग्री क्या है तो हमने अभी देखा कि नंबर्स की क्वान्टिटी यहां पर थ्री है विच मीन दार वैल्यू ऑफ दी सेट इन अ फॉर्म ऑफ द रिलेशन थ्री है तो द डिग्री ऑफ द रिलेशन इज थ्री एंड ऑफ देश भी हमारा नेचुरल नंबर है और रिलेशन भी हमारा नेचुरल नंबर है क्योंकि हम नेचुरल नंबर के प्याव पे ही यहाँ पर रिलेशन बना रहे नेक्स्ट वन दर इज रिलेशन ऑफ एन जेड एन जेड ठीक है यहाँ पे फोर एन वैल्यूज है और जो फर्स्ट नंबर है वो नेचुरल होगा सेकंड इंटीजियर होगा थर्ड नेचुरल होगा और फिर हमारा

द पार्ट ऑफ द इंडीज सो अगर हम इस फर्स्ट वैल्यू को देखें और इस सेकेंड को देखें तो दोनों हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है लेकिन अगर हम थर्ड को देखें तो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी अगर फर्स्ट को हम देखें तो ए प्लस बी इसका मतलब फाइव सॉरी ये जीरो माइनस वन तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं माइनस वन क्योंकि जीरो प्लस माइनस वन इज माइनस वन इस इक्वल लिख रहा हूं अभी उसके बाद लिखा हुआ सी डी तो सी डी की वैल्यू वन प्लस जीरो तो ये वन के बराबर आ गया एंड माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन दैट इज प्रूफ उसके बाद एंड ऑपरेटर है एंड में इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए तो जीरो प्लस वन माइनस वन माइनस वन के बराबर हो जाएगा फिर प्लस वन है फिर उसके बाद जीरो है तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया इसका मतलब है इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई बिल्कुल इसी तरह से हम इसे भी अप्लाई करेंगे तो ये इसका पार्ट बन जाएगा जबकि सिक्स सिक्स थ्री नाइन को अगर मैं इस तरह से टेस्ट करूँ तो ये इसके बराबर नहीं आ सकेगा यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड को प्रूव नहीं कर सकेगी अगर ये पार्ट हो भी जाए तो भी हमें सेकंड पार्ट को भी जीरो इक्वल टू जीरो लाना है क्योंकि यहां पर क्या मौजूद है एंड मौजूद है ठीक है सो दैट रिलेशन हैज डिग्री ऑफ फोर क्यों फोर है क्योंकि इसमें एलिमेंट की क्वान्टिटी वन टू थ्री फोर ए बी सी डी है और हम उसे किस तरह से लिख रहे होते हैं अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि एन एर ए रिलेशन का मतलब यह है कि हम इसमें कुछ वैल्यूज या ट्रिपल की वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो कि डेटा में बड़ा इस्तेमाल होता है तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम डेटा की चीजों को और उसके बाद रिलेशन की यूसेज देखेंगे इसमें सो डेटा बेस कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ठीक है डेटा रिकॉर्ड्स पर बेस करता है विच आर दी एन ट्रिपल्स मेड अप बाय द फील्ड यानी जो रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रिपल्स के फॉर्म पर होते हैं कलेक्शन के फॉर्म पर होते हैं जो जिसके जरिए से फील्ड्स बनते हैं द फील्ड आर द एंट्रीज Of the enterprise, for instance, a database of the student record may be made up uh, of fields consisting the name, student numbers, majors, grade point average of the student. So the relational data model—that's an important concept in a database. Agar aapne database management padha hai, to ye word aapne so suna by schema, which means the structure of the table, field, primary key, secondary key, attributes, data types. Ye is things database mein सो द रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्रजेंटिंग डेटा बेस ऑफ रिकॉर्ड एस एन एन n ए रिलेशन तो जो रिलेशनल डेटा बेस होता है या रिलेशनल डेटा मॉडल होता है वो आपके डेटा बेस के एन एर ए रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है फॉर एग्जांपल देयर इज अ टेबल नेम स्टूडेंट्स तो इसमें जो फील्ड्स हैं बिटवीन जो कॉलम्स नेम है वो फील्ड्स के तो स्टूडेंट नेम है आई है मेजर्स बिटवीन सब्जेक्ट है और उसके बाद स्टूडेंट की जी है तो ये फोर कॉलम्स पर टेबल्स बेस करती है सो द स्टूडेंट रिकॉर्ड आर रिप्रेजेंटेड एस फोर ट्रपल ठीक है जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो फोर ट्रपल्स पर बेस करता है फोर ट्रपल का मतलब है कि इसमें स्टूडेंट इस का नेम है आई है मेजर और जी पी और यही चीजें चारों दिखाई जा रही है सो आज डेटा बेस ऑफ सिक्स सच रिकॉर्ड्स एज तो जब मैं रिकॉर्ड्स सिक्स फॉर्म पर यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं आप इन रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली इस तरह से दिखा सकते हैं जिस तरह हम एसकूएल के अंदर की क्वेरी दिखाते हैं तो इंडिविजुअली मैंने सिक्स रिकॉर्ड्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है जो स्टूडेंट टेबल पे स्टूडेंट का नाम है ठीक है उसके बाद उसकी आईडी है उसके बाद उसका मेजर है और उसके बाद उसकी जी पी है ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए ये सेकंड के लिए थर्ड के लिए फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के लिए तमाम रिकॉर्ड इंस्ट्रक्टेड दिखाए गए सो सबसे पहले तो हमने बेसिक चीज़ें जान ली अब हमें कुछ इम्पॉटेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि जब एक टेबल या एक डेटा के अंदर कलेक्शन ऑफ टेबल मौजूद होते हैं तो uh, हम उसमें कीस को क्यों कंसिडर करते हैं और की के जरिए से किस तरह से रिलेशन बिल्ड होता है क्योंकि बेसिक फर्क ही यही है यह कि हम एक सिंपल डेटा बेस मैनेजमेंट और एक रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब पढ़ते हैं तो उसमें फर्क क्या होता है कि एक रिलेशनल डेटा बेस का मतलब ये कि टेबल्स के अंदर हम एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं जो प्राइमरी की या फिर फॉरन की के जरिए से बिल्ड बट द दैराग्राफ्स इज अबाउट दैट रिकॉर्ड्स आर ऑफन एडेड और डिलीटेड फ्राम अ डेटा बेस एज वी नो कि डेटा बेस में से हम अपने रिकॉर्ड को या तो ऐड कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं अक्सर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट आर डोमेन

फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है और टेबल के अंदर जो करंट कलेक्शन हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव कॉलम्स हैं तो उस फाइव कॉलम्स के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम एक्सटेंशन कह रहे होते हैं ऑफ द रिलेशन एंड द मोर परमानेंट पार्ट ऑफ द डेटा बेस इंक्लूडिंग द नेम एंड ऑफ द डेटा बेस इज कॉल्ड अ इंटेंशन एक्सटेंशन एंड इंटेंशन में यही फर्क है When selecting a primary key, the goal should be select a key that can serve serve as a primary key for all possible extension of the database. To do this, it is necessary to examine the intentions of the database to understand the set of the possible tuples that can occur in an extension. So, इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम संक्षेप करें तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो टेबल है वो दो पार्ट्स में, एक तो यह है कि उसका एक प्राइमरी की पार्ट और एक वो है जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स है जिसको हम एक्सटेंशन या इंटेंशंस कह रहे हैं उस बिहाफ पर हम अपने टेबल्स पर मौजूद रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं उनके ट्रपल्स को सॉर्ट्स कर सकते हैं ठीक है तो फर्दर एग्जांपल्स में का हमें यही चीज बताई जा रही है कि वेन डोमेन्स आर द प्राइमरी की ऑफ द एन एरे रिलेशन यानी जो डोमेन हमारी वो प्राइमरी की है जो कि एन रिलेशन पर बेस करती है डिस्प्ले इन अ टेबल वन एज्यूमिंग दैट नो एंड टपल्स विल बी एडिड इन अ फ्यूचर और हम येम करेंगे कि इन फ्यूचर उसमें किसी भी तरह का टपल्स एड नहीं किया जाएगा तो अगर हम टेबल वन को देखें जो कि स्टूडेंट के नाम से है तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं कितने कॉलम्स हैं स्टूडेंट नेम है आई डी है मेजर है, है और जी पी है सो बिकॉज देयर इज ऑनली फोर टपल्स इन आर इन दिस टेबल फॉर ईच स्टूडेंट नेम द डोमेन ऑफ द स्टूडेंट ने प्राइमरी की ओके Similarly, the ID number in this table are unique. So, the domain of ID number is also a primary key. That's a very important. सबसे पहले क्या कहा गया कि four tuples हमारे पास मौजूद हैं. तो इस student का जो name है, domain के respect से वो उसकी primary key है. इसी तरह से ID number वो भी unique है. ठीक है? हम देखते हैं कि student की जो roll number से IDs होते हैं, वो हमेशा unique होते हैं. तो with respect to the domain, ID number is also a primary key. So, however, the domain of the major field of the study is not a primary key because

स्ट्रेंथ है प्राइमरी की के लिए वो इस आईडी नंबर के लिए तो इस आईडी नंबर के जरिए से मैं अपने रिकॉर्ड्स को आसानी से फिल्टर कर सकता हूँ ठीक है जिसे मैं प्राइमरी की भी बना सकता हूँ सो द फर्दर कॉम्बिनेशन ऑफ द डोमेन कैन ऑल्सो बी यूनिकली आइडेंटिफाई एन टपल्स यानी हम एक से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर भी uh, कोई ऐसा डोमेन क्रिएट कर सकते हैं जिसके जरिए से एन टपल्स को

लॉजिकल एंड या फिर और ऑपरेटर को यूज़ करके इन्हें मजीदी यूनिक कर सकता हूं ठीक है तो जैसे हम कंपोजिट की कह रहे होते हैं इसी तरह सम सॉर्ट ऑफ द अदर कीज इन एसक्यूअल सेकेंडरी की कैंडिडेंट की इस तरह की कीज़ भी इस्तेमाल होते हैं जिनके जरिए से आप अपने एंड टपल्स uh, या रिलेशन को के डोमेन के वैल्यूज़ को आसानी से फाइन कर सकते हैं द नेक्स्ट थिंग इज अ नेचुरल ज्वाइन एग्जाम्पल ज्वाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके जरिए से हम रिलेशनशिप uh, बिल्ड कर रहे होते हैं ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंस अगर हम बात करें तो इनर ज्वाइन हो सकता है ठीक है इसी तरह से आउटर ज्वाइन हो सकता है ठीक है सेल्फ ज्वाइन बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो ये डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट हो सकते हैं जो हम रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल आ टेबल कंटेन फील्ड्स फॉर एयरलाइन एयरलाइन नंबर्स एंड गेट ये एक टेबल है जिसमें तीन एट्रीब्यूट्स हमारे मौजूद है सेकेंड टेबल में फ्लाइट नंबर है गेट है और डिपार्चर टाइम है ये सेकेंड टेबल है फर्स्ट टेबल में भी तीन रिकॉर्ड्स हैं और सेकंड टेबल में भी तीन रिकॉर्ड्स हैं वन कैन यूज नेचुरल ज्वाइन टू कम्बाइन दिस टू रिलेशन इन टू आर थर्ड वन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यानी इन दोनों को मिलाकर हम एक थर्ड रिलेशन बनाना चाह रहे हैं कंटेनिंग द फील्ड और उसके अंदर जो फील्ड मौजूद होंगे वो एयरलाइन होगा फ्लाइट नंबर होगा और गेट होगा यानी ये तीनों जो रिकॉर्ड्स हैं वो टेबल वन का पार्ट हो गए ठीक है ठीके? और उसके बाद जो डिपार्चर टाइम है ये हमारे टेबल टू का पार्ट है तो इन दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स को हमने ऐड किया और एक थर्ड टेबल कंप्लीट कर ली तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट या कंटेनिंग द वर्ड ऑफ द रिलेशन जिसके जरिए से हम डिफरेंट फील्ड्स रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके एक तीसरी टेबल बना रहे हैं और इसकी प्रोफेशनल एग्जांपल देखें तो हम ई कॉमर्स साइट के अंदर यही कर रहे होते हैं कि जब ई कॉमर्स साइट में आप लॉग होते हैं तो एक रिकॉर्ड वो होता है जिसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड मौजूद होता है सेकेंड रिकॉर्ड वो होता है जिस यूजर आईडी के जरिए से आप एड टू कार्ड्स के ऑप्शंस करते हैं और थर्ड टेबल वो होती है जिसमें आप पेमेंट करने के बाद आ, अपने नंबर्स को जनरेट करवा रहे होते हैं कि एक्चुअली आपका रिसिप्ट नंबर क्या होगा आपने पेमेंट की है या नहीं की है तो ये इन तीन टेबल्स के दरमियान हम ज्वाइंस के रिलेशन को भी इस्तेमाल बता हुआ प्रोफेशनली देख रहे होते हैं सो द ऑपरेशन इन एन एरे रिलेशन अब हम ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं तीन टेबल्स मजीद हमारे पास यहाँ मौजूद है टेबल वन पे तो हमने बेसिक साइंटेक्स देख लिया था टेबल टू जी की है एक टेबल है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट नेम और जीपीए मौजूद है इनरोलमेंट्स में सब्जेक्ट स्टूडेंट का नाम है मेजर है और उसके कोर्सेज नंबर है जबकि थर्ड में मेजर बताया जा रहा है कि किस स्टूडेंट का सब्जेक्ट मेजर है ठीक है तो अगर आप फर्स्ट टेबल देखें तो फर्स्ट आई मीन यहां टेबल टू को मैं कह रहा हूं यहाँ के रिस्पेक्ट से फर्स्ट है तो ये रिकॉर्ड जो है मेजरली uh, सीजीपीए पे कंटेन कर रहा है ये रिकॉर्ड मेजर के साथ हमें कोर्सेज बता रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मेजर बता रहा है सो वट रिजल्ट वेन द प्रोजेक्शन पी वन थ्री इज अप्लाइड टू द फोर टपल्स टू जॉन डोए नंबर्स एंड ठीक है अब बड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की कि सबसे पहले तो उन्होंने प्रोजेक्शन को पार्ट बनाया बताया मुझे कि थ्री इसका मतलब है 1 और थ्री की बात हो रही है और जो टपल्स की वैल्यूज दी गई हैं वो फोर नंबर्स पे बेस करती हैं टू थ्री एंड जीरो फोर और टू थ्री जीरो फोर को उन्होंने इस तरह से यहां पर नंबर्स पे लिखा है यानी दूसरे नंबर तीसरे नंबर जीरो नंबर और चौथे नंबर्स की वैल्यूज बताइए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फिर एक टपल्स को रिप्रेजेंट किया है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर को और अब हमें बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्शन वैल्यूज रिजल्ट ओके सबसे पहले तो हमें एग्जाम्पल एट में प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जम करना पड़ेगा एग्जाम्पल नाइन की और उसके बाद हम वापस आते हैं रिलेशन रिजल्ट वेन द प्रोजेक्शन वन कामा फोर इज अप्लाइड ऑन अ टेबल इन वन टेबल वन पर अगर मैं प्रोजेक्शन वन कामा फोर को अप्लाई करूं

यूज होगा और वो सेंड करेगा फोर को 2.0 के लिए टू कॉमर जीरो काफी एंड को रिस्पेक्टिवली और इसी तरह से A1 और A3 की जो वैल्यूज होगी उसे प्रोजेक्शन कि किस तरह से यूज कर रहा है तो जर्नली uh, अगर हम देखें तो ऑपरेशन ऑन एरे का मतलब ये है कि हम किस तरह से डिफरेंट ट्रपल वैल्यूज को इन फॉर्म ऑफ दी प्राइमरी की सेकेंडरी की ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइंस करने के बाद किस तरह के रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर पा रहे हैं ठीक है अब रिकॉर्ड्स को मजीद ऐड करना या फिल्टर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एसकुल uh, क्वेरी को ठीक है तो उसके बाद यानी स्लाइड्स के अंदर अगर आप देखें तो टेबल नंबर फाइव टेबल नंबर सिक्स और टेबल नंबर सेवन मौजूद है तो टेबल नंबर फाइव का जो नाम है वो है टीचिंग अंडर स्कूल असाइनमेंट और सिक्स का नाम है क्लास स्केजुअल या क्लास शेड्यूल तो अगर हम नेचुरल ज्वाइन यहां पर यूज करें टेबल फाइव और सिक्स को तो ये टेबल सेवन बना रहा है तो टेबल सेवन को हम कह सकते हैं कि एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ टेबल होगा जिसमें रिकॉर्ड्स फिल्टर होकर हमें दिखेंगे तो अगर आप टेबल सेवन को देखें तो टेबल सेवन का रैम यहाँ पर टीचर शेड्यूल है हम इसको परमानेंट भी क्रिएट कर सकते हैं ज्वाइंस के साथ तो प्रोफेसर डिपार्टमेंट एंड कोर्स नंबर ये तीनों अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये टेबल फाइव का पार्ट है ये तीनों कॉलम और इसमें रूम और जो टाइम है ये हमारे टेबल सिक्स का पार्ट है तो इन दोनों को ज्वाइंस करके यानी हमने इसे और इसे ज्वाइन करके एक नई टेबल क्रिएट कर ली है उसके यूजर जब हम हमने डिस्कस किया कि जब हम अप्रोचेस uh, यूज करते हैं जहाँ पर हमें जॉइंट्स की जरूरत होती है डिफरेंट रिकॉर्ड्स पे यानी कौन सा यूजर मेरी वेबसाइट पर आकर चीज़ों को ऐड टू कार्ड कर रहा है पेमेंट मैथड के जरिए पेमेंट कर रहा है तो हम आसानी से उन तमाम रिकॉर्ड्स को फिर अपने सी पैनल पर शो कर सकते हैं या एड पैनल पर शो कर सकते हैं एंड दास्ट थिंग ऑफ दिसन इज एसक्यूअल कॉन्सेप्ट बिटवीन ए स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज डेटा के अंदर वन ऑफ द मेजर यूजेज ऑफ द लैंग्वेज इज एसक्यूअल Uh, जिसके जरिए से हम क्वेरी जनरेट करते हैं और क्वेरी के जरिए से एक टेबल क्रिएट की जा सकती है रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट अपडेट फिल्टर किया जा सकता है सर्च किया जा सकता है तो क्वेरी लैंग्वेज के जरिए से पॉसिबल होता है सो द डेट बेस लैंग्वेज एस क्यूल स्टैंड फॉर अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कैन बी यूज टू कैरी आउट द ऑपरेशन वी हैव डिस्क्राइब इन द सेशन एग्जाम्पल ट्रेट द हाउ कमांड एस क्यूल कमांड आर रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑन एर ए रिशन सो द फर्स्ट थिंग अगर आप इस को देखे हैं, इस पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि फ्लाइट की टेबल में से हमें डिपार्चर टाइम को सेलेक्ट करना है और उस डिपार्चर टाइम को सेलेक्ट करना है जिसमें डेस्टिनेशन की वैल्यू जो है वो डेट्रॉइड हो अगर ये होगी तो ही रिकॉर्ड फिल्टर होकर आएगा वगरना रिकॉर्ड फिल्टर नहीं होकर आएगा इट यूज टू फाइंड द प्रोजेक्शन पी फाइव यानी यहां पर जो प्रोजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो पी फाइव का हो रहा है क्योंकि पी फाइव पे क्या मौजूद है डिपार्चर टाइम एट्रीब्यूट मौजूद है

जिसमें ग्रामर के प्रोफेसर मौजूद हैं वही डिपार्टमेंट लेकर आ जाओ फिल्टर करके जिसमें सिर्फ फिज़िक्स या कंप्यूटर साइंस मौजूद है आप वो रूम्स के रिकॉर्ड लेकर आ जाओ जिस रूम का नंबर वन डबल ए वन डबल जीरो है या वो टाइमिंग स्लॉट सिर्फ शो करो प्रोफेसर की जो कि नाइन आवर्स में या नाइन ए पर हो रहे हैं तो इस तरह से एक्चुअल क्वेरी की लैंग्वेज के जरिए से हम डिफरेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल्स के फॉर्म पर जिस तरह से भी आप चाह रहे होंगे तो फुल सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि एक्चुअली मेजरली uh, हमने देखा कि एन एर ए रिलेशन और एप्लीकेशन उसकी क्या है डेटा बेस रिलेशन में उसके किस तरह के यूजेज है अगर आपने डेटा बेस पढ़ा हुआ हो होगा तो आई प्रटी श्योर इस तमाम चीज़ों को समझना काफ़ी आसान रहेगा तो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं और फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं फिर भी अगर कोई सवाल है कोई चीज़ इसमें समझ में आई तो कमेंट सेशन पर जरूर बताएं कोशिश करूँ सवाल से आपको बड़ा जवाब दे सकूँ वीडियो चलेगी तो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोज़ के हवाले से आपको बड़बल जानकारी मिलती रहे और नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें नेक्स्ट सेशन में बोलते हैं उधर